हाय, आज हम यहाँ सोया चाप बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ रेडीमेड सोया चाप ले लिए। इसे बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पानी गर्म होने को रख दिया। सारे सोया चाप को इसमें डाल देती हूँ। एक कप के अकॉर्डिंग इसमें और पानी डाल देती हूँ, जिसमें सारे चाप अच्छे से डूब जाए। और इसमें एक बॉईल आने देते हैं। यहाँ हमारे सारे चाप बॉइल हो चुके, फ्लेम को ऑफ करके सारे चाप को निकाल लेते। इन सारे चाप को हल्का ठंडा होने देंगे। इस तरह इसकी सारी स्टिक्स को अलग कर देंगे। अगर चाप निकालने में हल्के स्टक हो रहे तो इसे थोड़ा हिला करके निकालें, ये इजिली रिमूव हो जाएगा। इन सभी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। इसकी साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये हमारे सारे सोया चाप छोटे छोटे पीसेस में कट चुके। मैं इसका साइज कुछ ऐसा रखी हूँ, आप इसका साइज अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पे तेल हमारा गरम हो चुका है। मैं यहाँ पे सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हो। लो फ्लेम पे इसकी कलर चेंज होने तक इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ हमारे सारे सोया चाप अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन सभी को निकाल लेते हैं। इसे मसाले से अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, हल्की सी हल्दी, हल्का नमक, दही इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर देते। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके। अब इसे अप्रॉक्स 20 मिनट्स के लिए ढककर रख देते, जब तक हम लोग ग्रेवी की तैयारी करते। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ कुछ गरम मसाले ले लिए, जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, गोलकी और सूखी मिर्च। सेम तेल में, बट इसमें से मैंने कुछ तेल को अलग कर दिया। सारे गरम मसाले को ऐड कर देंगे, अच्छे से सौते होने देंगे। चॉप किए हुए ओनियंस मैंने इसमें डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स करके इसके गलने तक इसे पकाएंगे। जब तक हम यहाँ एक टोमेटो प्यूरी प्रिपेयर कर लेते। कटी हुई टमाटर, लहसुन की कुछ फलियाँ, 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च। ये हमारा प्यूरी बनकर के रेडी है। प्याज पूरी तरह से पक चुका है। हम इसमें जो प्यूरी हमने बनाया था उसे ऐड कर देंगे। इसे हल्का भून लेते हैं। हल्का भूनने के बाद इसमें सारे मसाले ऐड कर देते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी, गोलकी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर। अगर आपने प्यूरी में जिंजर गार्लिक ऐड नहीं किया तो आप यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दीजिए। इसमें हल्का पानी ऐड करके सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है, इसे हल्का पानी डाल करके भूनेंगे। हल्का भूनने के बाद सारे मैरिनेट किए हुए सोया चाप ऐड कर देंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक हल्का भूनेंगे, जब तक इसमें से तेल अलग ना होने लगे। इसे इसी तरह से भूनेंगे।
भुनने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैं वो मैरिनेट किए हुए पानी को ही यूज़ कर रही हूँ। इसे लो फ्लेम पे थोड़े देर के लिए पकने देंगे। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो। ये हमारा सोया चाप की सब्जी बन करके पूरी तरह से रेडी है, देखते हैं।